हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। होली आने वाली है तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। आज हम बनाने वाले हैं शक्करपारे, जो बहुत ही आसानी से बने हैं और इसे आप महीने भर स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ मैदा लिया है, तो यहाँ मैंने 300 ग्राम यानी 2.5 कप मैदा लिया है। इसमें हम चीनी डाल रहे हैं, तो यहाँ मैंने खड़ी चीनी ली है और ये ग्राम में 60 ग्राम है और कप से देखेंगे तो 1/3 कप है। तो खड़ी चीनी ही डालना है, पिसी नहीं डालना है। 2 बड़े चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं सफ़ेद तिल, और इसी के साथ इसमें 1 चम्मच डाल देंगे सौंफ। आप इसके जगह छोटी इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम घी डाल रहे हैं, आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी से बहुत ही बढ़िया खस्तापन आता है। तो लगभग 60 ग्राम मैंने यहाँ घी डाला है और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं। ये शक्करपारे बहुत ही आसानी से बनते हैं, अलग से हम चाशनी नहीं बनाएंगे। मैंने यहाँ चीनी पहले ही डाल दिया है और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो ये हल्का हल्का बाइंड होना शुरू हो गया है, तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना यानी हल्का सा गर्म पानी डालेंगे और एक डो बना लेते हैं इसका। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, डो को हम हार्ड रखेंगे क्योंकि इसमें मैंने खड़ी चीनी डाली है जो थोड़ी देर में हल्की सी मेल्ट होगी और डो को सॉफ्ट कर देगी। तो डो को हल्का सा हार्ड रखें और इसके बाद आपको बढ़िया सा डो बनाना है कुछ इस तरह। तो ये देखिए डो बिल्कुल हार्ड है, बहुत सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें चीनी है और इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे जिससे चीनी हल्की सी मेल्ट होगी। तो यहाँ जो डो है इस तरह तैयार हो चुका है, इसे हम ढक कर रख देते हैं लगभग 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद हम बनाएंगे शक्करपारे। तो एक बार फिर से हमें डो को अच्छे से गूंदना है और इसे चिकना करना है जिससे जो चीनी हल्की सी मेल्ट हुई है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और ये डो जो है ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसके 2 से 3 बड़े लोई बना लेते हैं यानी बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 बॉल बनाए हैं, हल्का सा इसे चिकना करेंगे और इसके बाद इसे हम बेल लेते हैं। तो यहाँ आप डो बनाते वक्त बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि खड़ी चीनी का यूज़ करें, डो को हार्ड रखें और 20 मिनट तक इसे रखें ढककर, और उसके बाद इसे अच्छे से गूंद लें जिससे डो चिकना हो जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह आपको इसे बेल लेना है। तो हल्का सा मोटा ही इसे बेला है, लगभग 0.5 सेंटीमीटर मोटा बेला है और इसके बाद हम यहाँ इसे कुछ इस तरह काट रहे हैं। वैसे आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ हम इसे डायमंड शेप में काट रहे हैं, आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। और इसके बाद इसे हमें फ्राई करना है, तो सभी बेल कर इस तरह काट लें, उसके बाद आप इसे फटाफट फ्राई करें। फ्राई करते वक्त भी हम कुछ बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो इसी तरह हम सभी जो शक्कर पा रहे हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हम घी या रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फ्लेम को आपको लो या लो मीडियम रखना है और मीडियम या हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी खस्ता नहीं होगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो बस हल्का तेल गर्म रखिए, फ्लेम को आप लो मीडियम या लो रखें और एक बार में आपको उतने ही शक्करपारे डालने हैं जितना वो तेल में डूब जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये हल्के से फूल गए हैं, तो बस आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है और अच्छे से फ्राई करना है। जब भी आप शक्करपारे, मठरी या गुजिया बना रहे हो तो बिल्कुल भी इसे छोड़कर नहीं हटे, यानी आपको वहीं खड़े रहना है, बीच बीच में चलाते रहना है और ध्यान देना है। अगर आप इसे छोड़कर हट जाएंगे या ध्यान नहीं देंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा नहीं आता, यानी कहीं से ज़्यादा लाल हो जाएगा, कहीं से कम होगा। तो जब भी आप इसे फ्राई कर रहे हो एक ही जगह रहें और इसे अच्छे से फ्राई करें। तो यहाँ जो शक्करपारे हैं ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। तो बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, बीच बीच में चलाते रहें, जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आपको इसे निकाल लेना है। और बिल्कुल एक जैसा कलर आ रहा है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही खस्तेदार बना है। तो उम्मीद है कि आप इसे इस होली ज़रूर बनाने वाले हैं और इसे आप महीने भर स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी रेसिपी की डिमांड है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।
इसी के साथ आज हम आपको मीशो ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक ऑनलाइन अर्निंग ऐप है, जो लोग घर बैठे ही 20 से 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप के डाउनलोड होते ही आपके सामने ढेर सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसे आपको शेयर करना है फेसबुक, व्हाट्सअप या जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। ऑर्डर आने पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करिए, ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए मिशू पर। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सब काम मिशू करेगा, ऑर्डर को डिलीवर करेगा और जो भी आपका प्रॉफिट है वो 10 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और जिनको प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है वो 7 दिन के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट भी वो कर सकते हैं। और मिशू ऐप से घर बैठे ही बहुत लोगों ने हजार और लाखों रुपये महीने कमाए हैं, तो इस बार आपकी बारी है, आप भी घर बैठे ही ढेर सारे रुपये यानी पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की है। मैं सदफ नाम है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मीशो से बहुत हमें है सपोर्ट मिला। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है मीशो से जाग जाता है ना तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। अभी हम आगे हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ गया तो हम सब कर सकते हैं।